हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ प्रिंटर में कल के क्लासेस में बताया था इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कल के क्लासेस में बताया था, यहाँ पे बताया जा रहा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। जैसे कल के क्लास में बताया था, ये जो प्रिंट हेड था और जो पेपर था, दोनों आपस में क्या होते थे, हाँ, टकराते थे तो प्रिंट होता था। अब इसी कारण क्या होता था, वो सूर्य भी बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। लेकिन इसमें बताया जा रहा नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क होता ही नहीं, और इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है। मीन्स इसमें जो जो भी क्वालिटी इसकी है जो प्रिंट करने की, उसको लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है, और इसीलिए इसकी हाई क्वालिटी होती है। मीन्स जो क्वालिटी होता है वो हाई क्वालिटी होता है, और प्लस नॉन इंपैक्ट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब रहा सवाल कि सर लेजर प्रिंटर होता क्या है, फोटो प्रिंटर होता क्या है, इंकजेट प्रिंटर होता क्या है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता क्या है और थर्मल प्रिंटर होता क्या है। अभिनव अपना वीडियो बंद कर दो, आप लोग बस पढ़ते रहो, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे लोग जानते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। तो लेजर प्रिंटर के बारे में देखिए, आपने बताया है कि लेजर प्रिंटर कहा जा रहा जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है, और लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है। लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है, और लेजर 300 से लेकर 600 डीपीआई और डीपीआई का मतलब बताया जा रहा डॉट पर इंच तक या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई कर सकता है। अब रहा सवाल सर डीपीआई होता क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा इसमें सूखी स्याही को भरा जाता है, और प्लस इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किसके लिए किया जाता है, एक फोटोकॉपी मशीन की तरह किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 300 से लेके 600 डीपीआई, डीपीआई का मतलब क्या बताया जा रहा है, डॉट पर इंच तक या उससे अधिक भी रेजुलेशन की छपाई कर सकता है। अब चलिए रेजुलेशन के बारे में, डीपीआई के बारे में जानते हैं। मींस होता क्या है कि डीपीआई हमारा जितना ज्यादा रहता है, डीपीआई हमारा जितना ज्यादा रहता है, हमारा जो भी प्रिंटिंग करते हैं उसकी क्वालिटी उतनी बेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एक फोटो को प्रिंट करना है, तो अगर एक फोटो प्रिंट करना है, अगर 200 से लेकर 300 के डीपीआई प्रिंट करते हैं तो साइज भी कम होगा उसका, और प्लस प्रिंटिंग की क्वालिटी उतना बेटर नहीं रहेगी। लेकिन वही 300 से लेकर 600 के बीच में करें या 250 लेकर से 300 के बीच में करें तो हमारा प्रिंटिंग की क्वालिटी बेटर होता है। मींस डीपीआई का मतलब आप अपनी इमेज को कैसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। कम करेंगे तो क्वालिटी थोड़ा लो हो जाएगा, उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, ज्यादा करेंगे तो बेटर हो जाएगा। यही बताया जाता है कि 300 से लेकर 600 तो डीपीआई तक प्रिंट कर सकता है, और प्रिंटिंग की क्वालिटी भी बेटर होता है, ठीक है। और देखो इसमें बताया जा रहा है यहाँ पे छपाई करता है, रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टूनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। मीन्स ज्यादातर इसमें कण क्या होते हैं, आरजीबी कलर होते हैं, और आरजीबी कलर से हम आसानी तरीके से प्रिंट करते हैं, ठीक है। मतलब टूनर लगा होता है। हाँ रुकी, बोलिए क्या कह रहे हैं आप। यह प्रिंटर बहुत ही महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति ऊंची होती है। देखो जैसे हमारे ऑफिस में भी लगा है, जैसे कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जो बहुत धीरे धीरे प्रिंट होते हैं, वो प्रिंटर कौन होता है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, जिसमें एक से ज्यादा क्वालिटी होती है। लेकिन जो लेजर प्रिंटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग करना है और कम टाइम में करना है। जैसे हमारे यहाँ जाओगे जब ऑफिस में, तो दो प्रिंटर लगे, एक नॉर्मल मल्टी फंक्शनल लगा, एक लेजर लगा। क्यों लगा है,
तो लेजर से मुझे नोट्स देते ना प्रिंट बहुत फास्ट होता है। तो अगर मान लो 20 लड़के हो नोट्स देना है तुमको, अगर नॉर्मल प्रिंटर से करे तो प्रिंटिंग में बहुत टाइम लगेगा, धीरे 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 प्रिंट होगा। वही लेजर से करे तो बहुत फास्ट प्रिंट होता है। तो वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे केवल प्रिंटिंग बहुत ज्यादा कर रही हो, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा कर रही हो, काम तो वही करेगा, प्रिंट ही करेगा, लेकिन बहुत ही फास्ट काम करता है। इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह होता है जहाँ हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। यही बता जा रहा क्योंकि इसकी छापने की गति ऊंच होती है, अतः यह प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। मीन्स आप लोग देखते हो ये प्लास्टिक का सीट है, अरे यहाँ से प्रिंट दिया हमने कमांड कंप्यूटर से दिया, जो प्रिंट होता था यही तो प्लास्टिक सीट पे आ जाता है। यह प्लास्टिक का सीट ये पूरा का पूरा ना यही पे आता, यही बताया जा रहा है। हम कमांड दिए, कमांड देने के बाद से यहाँ प्रिंट निकल के यहाँ से चला है ना, यही बताया जा रहा है। लेकिन ये देखो इसके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है, लेजर प्रिंटर की विशेषताएं। पहला, उच्च रेजुलेशन, हाई रेजुलेशन भी होता है, उच्च प्रिंटिंग गति, ठीक है, प्रिंटिंग की गति भी हाई स्पीड होती है, बहुत अच्छा रहता है। प्लस बड़ी मात्रा में छपाई होता है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग कर सकते हैं। और प्लस बताया जा रहा है कम कीमत प्रति प्रेस। प्रेस मतलब क्या होता है, जैसे होता क्या है कि जब लोग छापते हैं तो तरीका होता है कि अगर कम समय में छापे, ठीक है, तो पावर का भी खर्च ज्यादा लगता है। जैसे वही प्रिंटर, दो प्रिंटर रख दिया, एक मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, एक लेजर प्रिंटर। आप बताओ वही प्रिंटर एक घंटे में 100 पेज छापता है, वही प्रिंटर एक घंटे में 10 प्रिंट छापता है, 10 पेज छापता है, या 20 छापता है, या 50 छापता है, तो बताओ दोनों का पावर कंज्यूम क्या होगा? सेम होगा? नहीं, ज्यादा होगा। तो खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है, इसकी क्वालिटी यह है कि कम खर्चे में हम ज्यादा से ज्यादा पेज प्रिंट कर ले जाते हैं आसानी तरीके से। और इसलिए इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है जहां पे प्रिंटिंग बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। हमारे यहाँ जरूरत पड़ता है तो मैंने रखा है, ऑफिसों में लोग रखते हैं। हाँ, कई जगह नहीं होता, जैसे आप लोग चले जाओ CSCOC पे तो वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना होता है, फोटोकॉपी भी करना होता है, ठीक है, स्कैन भी करना होता है, कभी कभी प्रिंट भी करना होता है, ऐसा नहीं केवल प्रिंट ही करना होता है। तो जानते हो क्या करते हैं, लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल कम करते हैं, 10 से 12 हजार में मल्टी फंक्शन खरीद लेते हैं, उससे तीनों काम चल जाता है। जब फोटो स्कैन करना है फोटो स्कैन करेगा, कोई फोटो कॉपी वाला आ जाएगा फोटो कॉपी कर देगा, और जब प्रिंट करना है ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम लोग के लिए चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हमें नोट्स देना है, बार बार प्रिंट करना है, दिन भर में 100-200 पेज प्रिंट करने हैं, इसके लिए सबसे अच्छा लेजर प्रिंटर। अगर आपको ना, तो आप लोग बहुत सारे मार्केट में आते हैं, अगर HP का खरीदोगे तो लगभग 19,000 से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा महंगे होते हैं थोड़ा सा। ये बताया जा रहा है, देखो बड़ी मात्रा में छपाई हो जाता है और कम लागत में ज्यादा छपाई कर सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखो जब काम करो तो आपको रियल इसके बारे में और पता चलेगा, हाँ कैसे प्रिंट कर रहा है। मैंने थ्योरिकली बेसिस बता दिया क्या कैसे काम करता कैसे नहीं करता है। अब कहीं पर काम करो जहां पर लगा रहेगा और बेटर तरीके से जान लो, हाँ रियल में इसकी क्वालिटी है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रिंटर है वो बताया जा रहा थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर आप लोग देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे, आप लोग देखे भी हो। जैसे मान लो आप चले जाते हो पेट्रोल टंकी पे, जाते हो ना, जब पेट्रोल टंकी पे जाते हो तो कई लोग कहते हैं नहीं हमको बिल भी चाहिए, ठीक है, अगर 500 रुपए भरवाएंगे कहीं बिल चाहिए, ठीक है, क्यों, हमको दिखाना है, या कई बार विश्वास नहीं तो पता नहीं इधर उधर किया होगा, बिल देंगे तो सही रहेगा। तो देखते हो वहां पे जो प्रिंट करके देता है, अगर जेब में रख लो तो मुश्किल से 10 दिन में वो पूरा वो प्रिंट खत्म हो जाए, पता चलेगा कितने का खरीदे थे, ठीक है। या ATM मशीन में चले जाओ, ATM जहाँ पे हम लोग पैसा निकालते हैं, तो वहां पे बिल निकल के आता है कितना हमने निकाला है वो, ठीक है, वहां पे थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। और मॉल, शॉपिंग मॉल है ना, वहां भी थर्मल प्रिंटर का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मीन्स एक प्रकार ऐसे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट हुआ तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद अपने आप अचानक कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो मिट जाता है, ठीक है। तो ये देखो इसका इस्तेमाल ज्यादातर क्या होता है, ठीक है, ATM मशीन, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल टंकी पे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखो इसके बारे में बताया जा रहा है, यह एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें कागज पे फ्लेक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक प्रकार का मैनुअल तरीके से पहले से उसमें कागज लगा होता है, जैसे हम लोग प्रिंटर पहले से बाद में लगाते हैं तो प्रिंट होता है, उसमें पहले से सेटअप होते हैं सारा का सारा, ठीक है। जैसे हम लोग पेट्रोल टंकी में जाते हैं, देखते हो कहीं पेपर लोग दिखता है आपको नहीं, उसी में पहले से सेट होता है, रोल होता है, उसी रोल में सेट कर देते हैं,
ठीक है, अब वही है, खोल के देखना पड़ेगा हमको ठीक कैसा है। लेकिन हम लोग जो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें पहले से लगाते हैं, तो ऊपर से है तो नीचे से, नीचे से लगाएंगे तो ऊपर से प्रिंट होता है, ऊपर लगाए तो नीचे से प्रिंट होकर आता है ठीक है। लेकिन इसमें पहले से लगा होता है, देखो इस मशीन में पहले से लगा होता है, देखो इसमें भी पहले से लगा है, देख रहे हैं ना आपको रोल, ये रोल जैसे घूमता जाता है और धीरे 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 प्रिंट होता जाता है। यही बताया जाता है कि एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें कागज के फैक्स पर आधारित रिबन अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय तक स्थित नहीं होता है, मतलब टिकाऊ नहीं होता है, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर क्या हो जाता है, पेपर से मिट जाता है। और सामान्यतः इस प्रिंटरों का उपयोग एटीएम मशीन में किया जाता है, और भी है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एटीएम मशीन में किया जाता है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रिंटर के बारे में जानते हैं, इंकजेट प्रिंटर। हाँ, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा फोटो वोटो प्रिंट करते समय यहाँ पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यह नॉन इफेक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज पे स्याही को बूंदों की बौछार की जाती है। देखिए जैसे उसमें क्या था, टोनर था, यहाँ पे वही क्या हो गया, यहाँ पर नोजल हो गया, उसको बोला गया नोजल। अब कहा जा रहा है कागज पे स्याही को बूंदों की बौछार करके करेक्टर वे ग्राफिक्स प्रिंट किए जा सकते हैं, और इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत ही स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है। जैसे मैंने बताया था ना, पहले डॉट बनता है, डॉट से क्या होते हैं करेक्टर बनते हैं, करेक्टर से क्या बनते हैं वर्ड बनते हैं, वर्ड से हमारे क्या बनते हैं तब लाइन बनते हैं। तो इसे बोला गया है कि एक प्रकार का बौछार करके करेक्टर वे ग्राफिक्स प्रिंट किए जा सकते हैं, और इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत ही स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर बना होता है। हाँ, रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के चार नोजल होते हैं, पहला क्या है नीला, लाल, पीला और काला, यहाँ लिख दिया गया नीलम, ठीक है, मतलब प्रिंटिंग करते गड़बड़ कर दिया गया, क्या है नीला, लाल, पीला और काला, इसीलिए इसको CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है। अब कहो सर CMYK क्या होता है, श्याम, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, क्या होता है श्याम, मैजेंटा, येलो, ब्लैक प्रिंटर कहा जा सकता है। तथा यह चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जा सकता है, और जितने रंगीन प्रिंटर आते हैं सब में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, इंकजेट प्रिंटर का। अब देखो CMY का मतलब क्या है, जैसे RGB हमने क्या बताया था, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा जानते हो कहां पे किया जाता है, जब टेक्स्ट को प्रिंट करना होता है, लेकिन जब फोटो तो प्रिंट करना होता है जैसे बैनर, तो मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं, जब लोग फोटोशॉप पे काम करते हैं तो फोटोशॉप पे जो काम करते हैं तो वहां पे ज्यादातर कलर जो सपोर्ट करता है वो RGB कलर सपोर्ट करता है क्योंकि फोटो से नॉर्मल संबंधित है, लेकिन जब बैनर उन्हें छपते हैं ना तो कोरल जो सपोर्ट करता है वो CMY के कलर को सपोर्ट करता है क्योंकि उसका पिक्सल जल्दी फटता नहीं। यही बोला गया है कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है, जब फोटो तो प्रिंट करना होता है, और जितने फोटो से संबंधित प्रिंटर आते हैं वहां पे इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है CMY के, और CMY के एक प्रकार ऐसा कलर होता है जिससे कई सारे कलरों को मिक्स करके बनाया जा सकता है, जैसे RGB को बनाया जा सकता है ऐसे CMYQ को बनाया जा सकता है। हाँ, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसका मान लो कोर्स लंबा बड़ा होगा, जैसे DCA होगा या ADC होगा, उसको मैं जब फोटोशॉप कोरल पढ़ाऊं तो और भी अच्छे समझ आएगा कि RGB कलर से क्या क्या बना सकते हैं, CMY कलर से क्या क्या बना सकते हैं। बस आप समझिए कलर का एक फॉर्मेट होता है RGB और CMY, जैसे होता है ग्रे स्केल, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का दोनों का इफेक्ट होता है, देखिए एक व्हाइट होता है तो व्हाइट ही केवल रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ये भी CMY के होता है, RGB कलर होता है। ओके, यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कलर प्रिंट किए जा सकते हैं, मतलब जितने रंगीन प्रिंटर आते हैं सब में मिलेगा इसका हिस्सा। जैसे हमने स्कैन डिवाइस पढ़ाया था, तो स्कैन डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस थे ना, वैसे अगर कोई भी प्रिंटर है और रंगीन प्रिंटर है तो समझना उसमें कुछ ना कुछ इंकजेट प्रिंटर का हिस्सा मिल जाए, ठीक है। और लास्ट चलिए देखते हैं, इसका मतलब ने बताया था मल्टीपल फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा प्रिंटर जिसे ऑल इन वन, ठीक है ना, सारे गुण हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये प्रिंटर है, ध्यान देना, जो हमारे पास प्रिंटर है इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई बंदा आता है तो हम फोटो कॉपी भी करके दे देते हैं, कोई आता है अपना फोटो देता है, जरूरत पड़ता है तो स्कैन भी कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो ब्लैक एंड व्हाइट भी कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो कलर फुल भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंटर है केवल प्रिंटिंग के लिए लाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल
अब लेजर जो प्रिंटर लाओगे ना उसको इसीलिए लाओगे केवल प्रिंट करना, उसे फोटोकॉपी नहीं कर सकते। जो मेरे यहाँ पे ऑफिस में है ना चेक करेंगे, जो बगल में उसको कहीं व्यवस्था ही नहीं फोटोकॉपी कर लो, लेकिन जो ऑफिस जैसे प्रदीप सर बैठते हैं उसके पीछे जो है उसे सारा किया जा सकता है। तो ज्यादातर लोग ऑफिस में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, किसका, मल्टीपल फंक्शन प्रिंटर, ठीक है। यही बताया जाता है ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं, मतलब प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, उसे मल्टीपल प्रिंटर कहा जा सकता है। और बताया जा रहा है मल्टीपल फंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए बताया जा रहा है मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, उसमें ऑल इन वन सारे गुण होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यह एक मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों को जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्स भी कर सकते हैं। अब मल्टीफंक्शन प्रिंटर कार्यों में बहुत ही लोकप्रिय होता है, ठीक है। और इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंट विधि का प्रयोग हो सकता है। कुछ मल्टीफंक्शनल प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है, जो डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रयोग बगैर सीधे इमेज छाप सकते हैं। मींस कुछ ऐसे ऐसे प्रिंटर आ चुके हैं लेकिन कॉस्टली होंगे, जिसे मीडिया का प्रयोग किया गया होता है। हम चाहेंगे तो आसानी तरीके से फोटो क्लिप करके छाप भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस समय यहाँ पर नहीं होगा, बहुत समझ जाओ कम से कम 20 से एवं मिलेगा, नॉर्मल नहीं मिल पाएगा। तो यही बताया मीडिया, समझ रहे हो ना आप लोग, मीडिया किस मीडिया का आप इस्तेमाल करते हो। तो मीडिया बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज मान लो कई लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मीडिया का इस्तेमाल करना है, मुझे स्पीकर जोड़ना है, ठीक है, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना है, वेब कैमरा का इस्तेमाल करना होगा, एक प्रकार क्या है मीडिया है। वैसे यह बताया जा रहा है कि इसमें ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें मीडिया का भी प्रयोग किया जाता है, और इसके सारे लोग फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, और फोटो क्लिक करने के बाद छाप भी सकते हैं। अरे कई बार देखते हो आप लोग फिल्मों देखे होंगे, जिसे फोटो क्लिक करता है उसे निकल जाता है, देखे हो आप लोग ना। और इस समय प्रोजेक्टर वालों देखते हो बस खींचता है, उसमें निकलने का कोई जुगाड़े नहीं है। अकेले देखते हो नहीं, फोटो क्लिप किया निकल गया हाँ सर आपको ना। तो उसी का एक एग्जाम्पल है, प्रिंटर तो हजारों है, ठीक है। तो कुछ है जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ही मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया और बताया समझाया। बस यही है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो मैं अभी मैं लेके आ रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। सपोज मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा जवाब देना आपको। तो क्लियर है ना मल्टीफंक्शनल प्रिंटर क्या होता है। चलिए थोड़ा इसको हम रोकते हैं, कितना स्पीड बढ़ा है।